हाय एवरीवन, मेरा नाम है राज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ब्यूटीफुल सा एक फ्लैट। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्राइस और एरिया भी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एरा फ्रेंड्स का मेन डोर, आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाला हूँ, 430 स्क्वायर फीट का फ्लैट दिखाने वाले फ्रेंड्स। ये रहा आपका लिविंग। एक बार आप लिविंग का साइज देख लीजिए, ये आपका लिविंग रहेगा। छोटा सा वीडियो, कंप्लीट वीडियो देखने पर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन आपका मन में नहीं रहेगा। ये रहा फ्रेंड्स आपका फॉल सीलिंग। ब्यूटीफुल सा फॉल सीलिंग आपको यहाँ पर बना कर दिए गए हैं। जैसे आप एंट्री करेंगे, राइट में आपका पावर पॉइंट रहेगा लाइट और फैन के लिए। एक बार मैं आपको फिर से सीलिंग को दिखा देता हूँ। सेंटर में आपका झूमर रहेगा, दो फैन आपका रहेगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लिविंग का सामने एक बालकनी 6x8 का विंडो रहेगा। ये रहा फ्रेंड्स G+3 का बिल्डिंग है फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्लोर पे ही ये फ्लैट आपको मिल जाएगा। वसन निर्माणा बिल्डिंग का नाम है। वसन निर्माणा का ये एक आखिरी फ्लैट हमारे पास अवेलेबल है। ये आपका बाहर का व्यू रहेगा, ये आपका लिविंग का बाहर का व्यू। बात कर लेते हैं लोन। 90% लोन, 10% आपका डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा आपको। अगर मैं इस फ्लैट का डाउन पेमेंट की बात करूँ तो 1.5 लाख के आसपास आपको इस फ्लैट के लिए डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। डिपेंड करेगा आपका सिविल और इनकम, बैंक आपको कितना लोन देते हैं। एक बार हम यहाँ से देखते हुए चलते हैं, टॉयलेट और बाथरूम देख लेते हैं, इसके बाद में देखेंगे किचन, फिर बात करेंगे कितने प्राइस में इस फ्लैट आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको वाटर टैंक के लिए जगह दिए गए हैं। इस वाले कॉर्नर में एक वॉश बेसिन आपको लगा कर दिए जाएंगे। और ये रेफरेंस आपका बाथरूम, पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा। एक बार आप बाथरूम का साइज़ देख लीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। इस तरफ है आपका टॉयलेट। टॉयलेट में आपको यहाँ पर इंडियन दिए गए हैं, सेम डिज़ाइन, पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स रहेगा, देख लीजिए फ्रेंड्स। और इस तरफ है आपका किचन, एक बिग साइज़ का आपको यहाँ पर किचन मिल जाता है। एक बार आप किचन का भी साइज़ देख लीजिए, लेफ्ट में है प्लेटफॉर्म। एक बार मैं आपको सीलिंग को दिखा देता हूँ। ये रहा फ्रेंड्स इसका सीलिंग। सामने की तरफ आपको फ्रिज के लिए पावर पॉइंट दिए गए हैं। ये रहा फ्रेंड्स। और इस तरफ आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, 4x4 का विंडो रहेगा। सीलिंग लेवल तक टाइल्स। ऊपर आपको कोटमाला भी दिए गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान आप ऊपर की तरफ भी रख सकते हो। ग्रेनाइट का प्लेटफॉर्म, स्टील का सिंक रहेगा। 24 आवर्स यहाँ पर आपको पानी मिल जाएगा। पानी से याद है, काफ़ी सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं सर 24 आवर्स किस तरीके से पानी नेरल में मिल जाता है। फ्रेंड्स, चाहे वो BMC का हो, चाहे वो ग्राम पंचायत कनेक्शन हो, 24 आवर्स आपको नहीं मिलता है। सिर्फ 2 से 3 घंटा पानी आता है ग्राम पंचायत कनेक्शन का। लेकिन आपका बिल्डिंग में अगर स्टोरेज है तो आपको 24 आवर्स पानी मिल जाएगा। डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग ने कनेक्शन कितने लिया है, कितना यूनिट है, उस हिसाब से कनेक्शन लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके डिमांड। इसका जो डिमांड है 13,50,000 विथ रजिस्ट्रेशन डिमांड है। इसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टी है ये नेरल ईस्ट में स्टेशन से ओनली 9 to 10 मिनट वोकेबल डिस्टेंस में है। प्रॉपर्टी जिन्हें नेरल के बारे में नहीं पता उन सभी को मैं बता देता हूँ। नेरल जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, तालुका जो करजत है और स्टेट जो है महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।